हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि बिना कानून की डिग्री के, अर्थात बिना लॉ किए आप कानून के जानकार अगर हैं या नहीं भी हैं, तो भी क्या आप केस को लड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप अपना केस स्वयं लड़ना चाहते हैं, अपने मुकदमे की पैरवी स्वयं करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा लॉ में प्रोविजन है। तो आपको बता दें, बिल्कुल है। धारा 32 एडवोकेट एक्ट में ये प्रावधानित है कि अगर आप अपना केस, अब वो केस कोई भी हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, मैट्रिमोनियल केस हो, किसी भी केस में अगर आप पर्सनल अपीयरेंस करना चाहते हैं कि आप अपने से अपना केस लड़ना चाहते हैं, तो यह कानून में प्रोविजन है। साथ ही साथ CPC के ऑर्डर 3 रूल फर्स्ट में भी ये प्रोविजन दिया गया है कि चाहे अपना केस स्वयं लड़ें, यानी सेल्फ, या किसी अभिकर्ता द्वारा या फिर किसी एडवोकेट के द्वारा। अब कहने का ये मतलब है कि क्या इसका प्रोसेस है। मान लीजिए कि भाई आपने प्लानिंग कर लिया कि भाई अब हमको अपना केस अपने से ही लड़ना है, तो इसके लिए आपको एक आवेदन देना होगा, एक अप्लीकेशन देना होगा अपनी कोर्ट में कि आप किस कारण से अपना केस लड़ना चाहते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप कोर्ट को ये बताएंगे, भाई मैं, या तो कानून का जानकार अगर आप हैं तो बताएंगे, भैया मैं कानून का जानकार हूँ साहब, इसलिए अपना कोर्ट में अपना केस स्वयं लड़ना चाहता हूँ, या फिर मुझे वकीलों पे भरोसा नहीं है इसलिए। हाँ, कोर्ट ये भी कहेगी भाई हम सरकारी वकील प्रोवाइड कर दें, लेकिन आपका कहना वही रहेगा भाई मुझे किसी भी वकील पे भरोसा नहीं है। तो ये अप्लीकेशन जो आप देंगे कोर्ट अलाउ कर देगा। एक चीज ध्यान रखना ये होगा कि अगर आप मुकदमा लड़ेंगे अपना, तो आपको कोर्ट ये मान के चलेगी कि कोई अधिवक्ता ही केस लड़ रहा है, कि जैसे कोई केस अधिवक्ता खारिज हो जाता है, अधिवक्ता लड़ता है, तो भाई आगे भी जा सकता है, उस ऑर्डर को चैलेंज तो कर सकता है, लेकिन ये कह के नहीं कर सकता है कि भाई मुझे कानून की जानकारी कम थी, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं अपना केस स्वयं लड़ रहा था, इसमें इस कानून को मैं नहीं जानता था, इसलिए मेरे खिलाफ ये ऑर्डर हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि जब कभी आपकी पर्सनल अपीयरेंस होगी, तो कोर्ट ये मान के चलेगा ये समझ के चलेगा कि भाई आप एक एज अधिवक्ता आप बहस कर रहे हैं, कोर्ट का केस लड़ रहे हैं, तो आप ये कभी भी नहीं कह सकते हैं, या आपको इसलिए राहत नहीं कोई मिल सकती है कि आप कानून के जानकार नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये बेहतर होगा कि आप कोई भी केस वकील के थ्रू ही लड़ें। लेकिन कभी कभी कोई दिमाग में आता है, ये सवाल लोगों के आता है, कुछ हमारे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि क्या केस लड़ने के लिए वकालत की डिग्री जरूरी है या नहीं। तो इन प्रश्नों के जवाब के लिए आज का यह वीडियो था हमारा, कि कोई भी जरूरी नहीं है कि आपके पास वकालत की डिग्री हो। बिना वकालत की डिग्री के अगर आप कानून के जानकार हैं, तो भी आप केस लड़ सकते हैं, कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, ये प्रोविजन है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई और प्रश्न शेष है, लॉ से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है और आपको परेशान कर रहा है, तो अपने प्रश्नों के जवाब के लिए कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा अपना प्रश्न। कभी कोई बात अन्य नहीं समझ में आ रही, कोई क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग नहीं समझ में आ रही है, कोई सिविल केस की प्रोसीडिंग नहीं समझ में आ रही है, या फिर किसी भी मैट्रिमोनियल केस की प्रोसीडिंग नहीं समझ में आ रही कि इसके बाद क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, जैसे कि कोई पर्सनल अपीयरेंस कर ही रहा है कोर्ट में, तो वो किस तरह से शुरुआत करें, या फिर कोई नया अधिवक्ता बंधु हमारा है, उसे भी नहीं मालूम होता है कि इस केस में कब क्या होता है, तो उसके लिए भी आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे, या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे भी आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं।